हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट जिसका नाम है बियर पाओ या बियर्स पाओ। तो भालू के पैरों की तरह दिखने वाला ये प्लांट बहुत ही प्यारा सा है और सकुलेंट प्लांट है। इसको जो है कटिंग से शायद ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अब आज मैं करने वाली हूँ तो देखेंगे। और क्योंकि अभी ये छोटा सा है काफ़ी, मैंने इसको किसी भी और बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया है। जब मैं लेकर आई थी नर्सरी से, थोड़ा सा ये हो गया था कि जैसे इसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिर मैंने इसको एक पहले तो मैंने काफ़ी दिन उसी पॉलीबैग में रहने दिया। फिर जब मैंने देखा कि जो ग्रोथ है हो रही है, तो मैंने उसको दूसरे स्पॉट में शिफ्ट कर दिया था। और शिफ्ट करने के बाद भी इसकी जो ग्रोथ है कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन प्लांट हेल्दी हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इसमें जो पत्ते हैं, जो इसकी ब्रांचेस है, अच्छी है। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो रही है। जैसे कि यहाँ से ये सब इसकी नई नई जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। तो इसको मैंने नर्सरी से लिया था 50 रुपीज़ में। और ये जो है इसकी मिट्टी मैंने तैयार की थी घर पे। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए इस प्लांट के लिए। जो भी मिट्टी आप यूज़ करो उसका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा पानी इसमें जमा नहीं रहना चाहिए। डेली वाटरिंग नहीं करती हूँ मैं इस पर। जब भी मुझे लगता है कि मिट्टी सूख गई है तब मैं इसको पानी देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े कोयले हैं, गोबर की खाद आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे सारी मिट्टी ही है। तो जो गोबर की खाद है, एक तो वैसे ही बहुत जल्दी सूख जाती है और वैसे भी लाइट होती है, तो इस तरह के प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। तो जैसे ये प्लांट है तो बहुत ही सॉफ्ट है और इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बियर के पैरों के जैसे ही हैं ये। तो किसी भी मतलब कि जानवर के पैर कभी कभी होते हैं, सबके एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन किसी किसी के मैच कर जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप है। तो मैंने इसको पत्तों से ग्रो करके तो देखा था, लेकिन मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई। तो जब से मैंने लिया है तब से मैंने इसको, जो मैंने बताया कि ये डैमेज हुआ पड़ा था, तो इधर उधर इसकी पत्तियाँ गिर रही थी टच करने पर ही। तो मैंने उसके 2-3 पत्ते जो है लगा दिए थे, लेकिन मुझे उस पर अभी तक कोई ग्रोथ नहीं नज़र आई। मैंने कुछ ही दिन पहले उनको निकाला है और आज मैं सोच रही हूँ इसकी रिपॉटिंग भी कर दूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं शाम को करूँगी। और इसकी जो कटिंग है वो मैं ग्रो करूँगी, क्योंकि इसको मैंने किसी दूसरे पॉट में ग्रो नहीं किया है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इसकी जो नई ब्रांच है निकल रही है। और अगर आपको अंदाज़ा लग रहा हो, ये बिल्कुल एक जो ऑर्नामेंटल अजवाइन होती है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और आप बोल सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही ये प्लांट है, लेकिन इसमें से कोई भी खुशबू या स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो नॉर्मल प्लांट है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन इसमें अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे से फूल निकलते हैं ऑफ वाइट कलर के। और ये कुछ इसका सिस्टम है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना वीडियो को। और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।